तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो कल से जब अभिषेक बच्चन का नाम इस मूवी से जुड़ा है, यानी कि ये एक जो इंडिविजुअली अनाउंसमेंट हुई है अभिषेक बच्चन को लेके, इसके बारे में कितनी सच्चाई है वो आप लोगों को यहां पे पता लग ही चुका होगा। हर किसी ने इस बारे में अपनी बात रखी है और इस बारे में अभी तक कोई भी ये बात निकल के नहीं आई है कि ये बात गलत है, और जहाँ से आई है बहुत ही तगड़े सोर्सेस से आई है दोस्तों, बहुत ही तगड़े सोर्सेस से। ये समझ लीजिए कि रेड चिलीज के अंदर से ही ये बात निकली है, मेकर्स ने इंडिविजुअली बात को बाहर निकाला है, और वो इसलिए निकाला है कि ये एक ऐसी न्यूज़ होती है एक्सक्लूसिवली इसको बोला जाता इसलिए है कि देखो, अगर हम ऑफिशियली अनाउंसमेंट करेंगे और आगे जाके अगर हमारा कुछ यहाँ पे फैसला चेंज होता है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं और बाद में ये बोल सकते हैं कि भाई हमने तो ये बात नहीं फैलाई थी, ये बोल सकते हैं मेकर्स। लेकिन मुझे ऐसा यहाँ पे महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो बात निकल के आई है ना, वो बात यहाँ पे कन्फर्म है और एकदम परफेक्ट है। अभिषेक बच्चन यहाँ पे खेल जाएंगे। अब मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं, लेकिन जब से अभिषेक बच्चन का नाम जुड़ा है, जब से हेटर्स जो हैं वो यहाँ पे रिचार्ज हो गए हैं, यानी कि बहुत से लोग किंग मूवी को लेके बिल्कुल इंतज़ार में थे कि हम बस जल्दी से जल्दी इसकी नेगेटिविटी स्टार्ट कर दें। कब से यहाँ पे ताक में थे, यानी कि वो एक नज़र में थे कि बस यहाँ पे हमें कोई लूज पॉइंट मिल जाए, हम लोग इसकी नेगेटिविटी को करना स्टार्ट कर देंगे। वो बिल्कुल पीक पे बैठे थे, तो अब उनको लगता है कि उनको मौका मिल चुका है। मैं आप लोगों को दोस्तों एक बात बता दूं, अभिषेक बच्चन के बारे में ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। पता है ये लोग क्या सोच रहे हैं, एक ऐसे एक्टर को ले लिया है जिनको बड़ी फिल्में मिलती ही नहीं है, हमेशा शाहरुख खान ही लेके आते हैं, हैप्पी न्यू ईयर में लेके आए हैं, फिर यहाँ पे जो वेब सीरीज बनाई थी वो भी रेड चिलीज के ही दम पे थी, यानी कि एक मूवी जो आई थी विश्वास करके जो एक मूवी थी, बहुत ही दमदार रोल किया था, बहुत ही कमाल का दोस्तों रोल था, मेरा एकदम फेवरेट था अभिषेक बच्चन का, और क्या लेवल का रोल किया था। और अगर आप लोगों को उनके विलन वाले कैरेक्टर देखने, तो मैं आप लोगों को याद दिला दूं, अभी जो भोला आई थी, भोला में एक्चुअली में उनका रोल रिवील नहीं हुआ, लेकिन लास्ट में जितना भी उनका सीन था भाई साहब, पैसे वसूल हो जाते हैं। पूरी मूवी एक तरफ, एक वो ज़रा सा लुक एक तरफ, आप ये देखो, फिर थोड़ा सा और पीछे जाइए, आपने देखी होगी युवा के अंदर, जिसमें आप लोग देखेंगे कि विवेक ओबराय, अजय देवगन और तीसरे थे अभिषेक बच्चन उस मूवी के अंदर एक विलन में थे, और विलन में क्या बेहतरीन कलाकारी करी थी अभिषेक बच्चन। दोस्तों विलन में जचते हैं और उनकी जो एक्टिंग उभर के आती है वो विलन में आती है। मैं कहता हूँ कि अगर उनको विलन के रूप में काम मिलना शुरू हो जाए तो वो बहुत बढ़िया उभर के निकलेंगे, बहुत बढ़िया। फिर एक मूवी और आई थी जो चियान विक्रम की डब्ड थी, क्या नाम था, रावण, उसमें आप काम देखो, जिसमें ऐश्वर्या राय अपोजिट थी उनकी, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त काम था। तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, उनका वर्क देखो एज ए विलन में, एज ए हीरो में नहीं कह रहा हूँ, उनका विलन में देखो आप, विलन में जितने भी रोल हैं उन्होंने ऐसे रोल किए हैं जो कि एक वर्सटैलिटी दिखती है कि हाँ भाई इस बंदे के अंदर वो बात है। शाहरुख खान ने और यहाँ पे सुजॉय घोष ने इस बात को चेक किया और देखा कि हाँ ये रोल अभिषेक बच्चन के बारे में बिल्कुल सही कह रहा है और ये एकदम फिट बैठेगा। यहाँ पे इतना बड़े लेवल पे एक मूवी बन रही है तो कुछ सोच समझ के ही तो यहाँ पे कदम उठाया गया होगा, वरना तो देखो और भी बहुत सारे एक्टर हैं इंडस्ट्री में, अभिषेक बच्चन को दोस्तों इसीलिए लिया है कि जितना भी वो काम करते हैं वो एक्टिंग में पूरे कैरेक्टर में घुस के काम करते हैं, इतना मैं जानता हूँ, वो एक्टिंग पूरे कैरेक्टर में घुस के काम करते हैं पूरे। अब वो बात एक अलग है कि उनको हीरो के किरदार में मूवीज़ नहीं मिल रही, हो सकता है कि किंग के हिसाब से जब वो काम करें और किंग के बाद उनको एक नया एक मोड़ मिल जाए फिल्म इंडस्ट्री में, जैसा कि बॉबी देओल साहब को मिला एनिमल के बाद में उनको जिस हिसाब से विलन के रोल मिल रहे हैं, हो सकता है कि अभिषेक बच्चन को भी ऐसे ही रोल मिल जाए। लेकिन यहाँ पे हेटर्स क्या, अबे किसको ले लिया, इनको तो फिल्में ही नहीं मिलती वगैरह, पता नहीं क्या क्या यार क्या क्या। लेकिन दोस्तों ये बात मैं आप लोगों को कल से ही कह रहा था, मैंने कहा देखो जब से एक बात ना ये बात निकल के ज़रूर आएगी, ये लोग बस तैयार बैठे थे और इन लोगों ने वही काम किया है, बिल्कुल तैयार बैठे थे। और देखो वही बात आई कि अभिषेक बच्चन को हटाओ, अभिषेक बच्चन सही नहीं है, और सारी की सारी कुछ फैंस भी हैं, कुछ मैं ये नहीं कह रहा सब हेटर्स हैं, कुछ फैंस भी हैं, अरे यार ये क्या हो गया, अबे भाई आप लोगों को पता ही नहीं है, यहाँ पे बड़े बड़े माइंडेड आदमी बैठे हैं। देखो मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ, सारी चीज़ें एक तरफ और मूवी का एक जो स्टोरी लाइन है ना वो एक तरफ, अगर मूवी की यहाँ पे
जो एक पंचुअल स्टोरी है वो यहाँ पे टाइट रही है, पंचुअलिटी रही स्टोरी में। मैं कहता हूँ कि मूवी को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इस बात को तो मैं दोस्तों लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे शाहरुख खान जो इंतज़ार कर रहे हैं एक चीज़ का, वो शायद आप लोगों को नहीं पता है। शाहरुख खान एक ऐसे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस वक्त में उनकी शूटिंग स्टार्ट हो। अब ये खुद शाहरुख खान को भी नहीं पता है कि मेरी शूटिंग किस दिन स्टार्ट होगी। ये बात दोस्तों मैं बिल्कुल अंदर की बात, खुद शाहरुख खान को भी नहीं पता है। वो हमेशा एक प्लान बनता है लेकिन वो फिर प्लान जो है इधर उधर हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे बहुत ही जल्द शाहरुख, अब देखो जैसे कि अगस्त में हमने सुना था कि शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो अब क्या हुआ, अब फिर से वो आगे बढ़ चुका है मामला। यानी कि प्लान बनता है और प्लान फिर से यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अभी यहाँ पे खुद शाहरुख खान एक ऐसा प्रोडक्ट निकालने की सोच रहे हैं कि ये प्रोडक्ट उनका सबसे बेहतरीन हो, क्योंकि साथ में बेटी भी है और बच्चों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। बच्चा साथ में है तो इसी वजह से इतना टाइम लग रहा है। और अभिषेक बच्चन को लेके आना, अगर वो मूवी में आते हैं ना, तो ये समझ लो कि जितना भी रोल होगा, देखो मैं तो ये नहीं कह रहा कि वो मेन विलन, हालांकि पूरा का पूरा फोकस मेन विलन का उन पे होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जितना भी रोल होगा इम्पोर्टेंट रोल होगा, लेकिन विलन का ही रोल होगा। हाँ ये भी हो सकता है कि और भी ज़्यादा इसके अंदर और भी स्टार कास्ट हो जो कि विलन में हो, विलन की हो, दो तीन और हों जो कि और बड़े हों, लेकिन वो एक अलग बात है। वो जब बाद में नाम निकल के आएंगे तो हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक नाम पे बात करें, अभिषेक बच्चन पे, तो मुझे लगता है कि पूरी मूवी के अंदर वो कहीं ना कहीं अपनी छाप तो ज़रूर छोड़ेंगे। देखो बहुत से यहाँ पे फैंस ये भी कह रहे हैं कि अब हल्का पड़ेगा। देखो अभी तक हमने अभिषेक बच्चन के बारे में जितना भी देखा है उसके हिसाब से तो मैं यही कहूँगा कि हाँ देखो हल्का पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जब शाहरुख खान और सुजॉय घोष और सिद्धार्थ आर्यन उनसे जो काम करवाएंगे वो उस काम में खरे उतरे, यानी कि यहाँ पे अभिषेक बच्चन के ऊपर काम करते मेहनत लेनी पड़ेगी और काम करवाना पड़ेगा, यहाँ पे काम निकलवाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे काम निकलवा पाते हैं सुजॉय घोष, देखो सुजॉय घोष बहुत ही कमाल का डायरेक्टर है, बहुत ही कमाल का। वो अगर उन्होंने अभिषेक बच्चन को यहाँ पे लिया है ना, तो वो जानते हैं कि मुझे इस आदमी से कैसे काम करवाना है। मुझे लगता है कि अभिषेक बच्चन के साथ में सुजॉय घोष ने पहले भी काम किया, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी मूवी में किया। अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि अभिषेक बच्चन को यहाँ पे दोस्तों कैसे काम करवाना है, सुजॉय घोष को अच्छे तरीके से पता है और वो जानते हैं कमज़ोरी। बस दोस्तों मुझे लग रहा है कि यहीं पर जो है ना, यहीं पर धप्पा मारा गया है। और शाहरुख खान दोस्तों पहले भी काम कर चुके हैं, जुगलबंदी उनकी जो है फिट है, अभिषेक बच्चन को जानते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने ये डिसीज़न लिया, ये बेस्ट डिसीज़न है, बेस्ट डिसीज़न है। बाकी देखते हैं कि और कितनी कितनी स्टार कास्ट इसमें विलन की और ऐड होती है। मैं तो कहता हूँ कि देखो यहाँ पे नाम आ रहा था चियान विक्रम का, अब पता नहीं क्यों चियान विक्रम यहाँ पे क्यों निकले। देखो अगर चियान विक्रम इस मूवी में आ जाते ना, तो मैं कहता हूँ कि मूवी का क्या यहाँ पर रेस्पॉन्स रहता, क्या हाइप रहती, आप सोच भी नहीं सकते। चियान विक्रम भाई कमाल का यहाँ पे दोस्तों उनकी अदाकारी है, बहुत ही कमाल की अदाकारी, बहुत बेहतरीन कलाकार है, बहुत बेहतरीन। अब पता नहीं क्यों, हो सकता है वो कुछ और काम में बिजी हो, कुछ और डेट्स हो, कुछ और यहाँ पे लीड में काम कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। देखो बहुत से काम होते हैं, बहुत सा यहाँ पे होता है, खैर वो हम बाद में बात करेंगे जो भी होगा। लेकिन मैं दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ इस न्यूज़ से कि अभिषेक बच्चन को यहाँ पे लिया, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो जो जो सेटिस्फाई है नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ, और आपको यहाँ पे कैसा लगा कि अभिषेक बच्चन को यहाँ पे लिया गया है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलता हूँ आपसे अगली इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।